टीचर्स नॉलेज ऑफ बुलिंग ये बहुत अहम है कि क्लासरूम में या स्कूल में जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें टीचर्स हैं स्टूडेंट्स हैं दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है स्कूल हेड है इन तमाम लोगों को बुलइज़म के बारे में वाज आगाही होना ज़रूरी है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीचर्स हैं उनको मालूम हो कि बुलिंग क्या है और बुलिंग कैसे होती है आम तौर पर यह देखा गया है कि जो टीचर्स हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि ये जो वाक्य हुआ है इसको बुलिंग कहते हैं बाज टीचर्स जब ख़ुद बुलिंग बनते बुलिस बनते हैं तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो बुली बन रहे हैं तो ये ज़रूरी है जांचना कि बुलिंग क्या है इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो बुलिंग इंसिडेंट्स हैं उनको सही वक्त के ऊपर कंट्रोल किया जाए तो टीचर्स नॉलेज ऑफ बुलिज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें यह देखना ज़रूरी है कि टीचर्स जो हैं दे पोजेस एडिक्वेट नॉलेज अबाउट बुलइज़म एंड हाउ टू कंट्रोल बुलेज़म ये बेहद ज़रूरी है ताकि क्लासरूम में जो गाहे बगाहे वाक्यात होते हैं उनको उसी वक्त कंट्रोल कर लिया जाए क्योंकि हमने देखा था कि अगर बुलिंग को आप कंट्रोल नहीं कर रहे तो ना आप विक्टम की मदद कर रहे हैं और ना ही आप बुली की मदद कर रहे हैं बल्कि आप बुली को ये कह रहे हैं कि ही और शी कैन कंटिन्यू विद दैट पर्टिकुलर बिहेवियर और जो विक्टम है वो विक्टमाइज होता चला जाता है या होती चली जाती है तो ये चीज जो है देखनी बहुत अहम है कि प्रॉपर नॉलेज का होना जरूरी है टीचर्स सिंस दे आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द स्टूडेंट्स दे हैंडल देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दे नीड टू नो द बुलिंग इंसिडेंट्स एज वेल दे नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ बुलिंग एंड वॉट कम्स अंडर बुलिंग बोथ द वर्बल एब्यूज़ एंड द फिज़िकल एब्यूज़ इन तमाम चीज़ों के बारे में वाज इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन से अमल का क्या कॉन्सिक्वेंस है बुलिंग जो है अगेन इट इज़ इट हैपन्स ऑन अ ब्रॉड कैनवस बुलिंग इंसिडेंट छोटा भी होता है बड़ा भी होता है और ख़तरनाक तरीन भी हो सकता है तो तमाम चीज़ों के कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए और उसी वक्त जो कॉन्सिक्वेंस है उसको जो है वो उसको शामिल कर लेना चाहिए उस वाक्य के साथ ताकि उसी वक्त जो है वो एक बेहतर तब्दीली आ सके सो दैट नॉलेज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इसके अलावा टीचर्स जो हैं उनको एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए चंद चीज़ों के बारे में मसलन टीचर्स जो हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने बुलिस के साथ बात कैसे करनी है स्टर्न एक्शंस नीड टू बी टेकन व्हेन बुलिंग इंसिडेंट्स अराइज और बुलिस जो हैं उनके साथ बात कैसे करनी है जो टारगेट हुए हैं लोग जो विक्टिमाइज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसे बात करनी है ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन वाज़ इन्फॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है कि बुलिस को डील कैसे करना है उनसे बात कैसे करनी है और जो स्टूडेंट विक्टिमाइज हो गया है जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रामे का शिकार हो गया है उससे कैसे बात करनी है उसको हैंडल कैसे करना है या

और उसके जो एक्सट्रीम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसके बारे में भी तमाम स्टेक होल्डर्स को बेहतर आगाही देनी चाहिए बिकॉज दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स दैट बुलिंग इज अ क्राइम स्कूल में जब बुलिंग होती है सो दैट इज अ क्राइम एंड दैट मस्ट नॉट हैपन एंड फॉर दैट टीचर्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड दे नीड टू बी फुली प्रिपेयर्ड टू हैंडल सच इंसिडेंट्स और टू रेफर दोज इंसीडेंट्स इमीजिएटली टू दी कंसर्नड पीपल इसमें काउंसलर्स आ जाते हैं स्कूल हैड है, आ जाता है या दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ जाता है या पेरेंट्स आ जाते हैं जिनका जिनका बच्चा बुली हो गया है या बुली कर रहा है या कर रही है तो तमाम लोगों को जो है वो बताना ज़रूरी है एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि बुलिंग इंसिडेंट्स जो हैं वो कम से कम